लॉन्ग आर्मीज, आप सब कैसे हो? ये लव एट फर्स्ट साइट का 11th पार्ट है। आई नो गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे ये लव एट फर्स्ट साइट का 11th पार्ट कैसे आ गया। रुको, मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली 11th पार्ट को मुझे डिलीट करना पड़ा, किसी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं वापस से री अपलोड करने वाली हूँ 11th पार्ट। मेरे पास ना गाइस स्क्रिप्ट गुम हो गया था, तो मैंने वापस से स्क्रिप्ट लिखा है। मैंने स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं मिली। एक्चुअली गाइस, मैं अपना स्क्रिप्ट बुक में नहीं लिखती हूँ, मैं नोटपैड पे लिखती हूँ फ़ोन पे। शायद मुझसे डिलीट हो गया या क्या हो गया पता नहीं, इसके लिए मैंने वापस से स्क्रिप्ट लिखा है। और इस स्क्रिप्ट में थोड़ी सी डिफरेंस तो होगी, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है? आप लोग में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि 11th पार्ट कहाँ है, इसकी वजह से मैं वापस से 11th पार्ट बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। मुझे ये पार्ट लिखने के लिए मैंने रेफरेंस लिया मेरे 10th पार्ट और 12th पार्ट को, फिर ही मैं स्क्रिप्ट लिख पाई। ओके गाइस, आई होप अभी आप सब क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोग स्टोरी की तरफ चलते हैं। मैंने सोच तो लिया मैं आज ही चिमिन को अपने दिल की बात बता दूंगा, लेकिन अगर चिमिन ने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा? अगर उसने मुझसे फ्रेंडशिप ट्रेड तोड़ दिया तो? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? अगर वो गुस्सा हो गई और वो समझे कि मैं भी बाकी लड़कों जैसा हूँ, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और उसने मुझे वहाँ पे थप्पड़ मार दिया तो? और वहाँ से थप्पड़ मार के मुझे चली गई तो मैं क्या करूँगा? फिर उसने कहा कि अपना शक्ल भी मुझे मत दिखाना, मेरा दिल तो टूट जाएगा। मैं कैसे चिमिन के बिना रहूंगा? मैं क्या करूँगा? नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने प्रपोज भी नहीं किया था, मैं तो ब्रेकअप तक चला गया। मैं भी ना शुगर, तू भी ना, कितना ओवर थिंक करता है। हाँ, यही सही होगा, जो मैंने आज के लिए प्लान किया मुझे उसी पर चलना चाहिए। हाँ, बात की बाद में देखा जाएगा। तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ताए जंगो, ये क्या बदतमीजी है, तुम मुझे खींचिए कहाँ लेके जा रहे हो? सब लोग देख रहे हैं। जंगो, अभी तक मैंने बदतमीजी दिखाई कहाँ है ताई? अभी तक दिखाई नहीं है। मैं दिखाऊंगा तो तब तुम क्या करोगी? जंगो, ये कैसी बदतमीजी है? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? क्या बोलना चाहते हो, साफ साफ बोलो। ओह, मैं तुमसे घुमा फिरा के बोल रहा हूँ, और तुम जो कर रही हो वो क्या था ताई? जंगो, मैंने क्या किया? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हो हाँ, तुमने तो कुछ भी नहीं किया। आई एम सॉरी, मैं ही तुम्हें ट्रबल दे रहा था, अभी मैं जा रहा हूँ। आई नो जंगकुक, तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ नहीं कहूँगी जब तक तुम खुद ही नहीं आके कहते मुझसे, तब तक। जंगकुक जंगकुक, बात सुनो, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। जंगकुक सुनो तो सही। क्या हुआ ताई, क्यों मुझे परेशान कर रही हो, क्यों मुझे रोक रही हो? मुझे जाने दो ना, क्या काम है तुम्हें? जंगकुक, मुझे तुमसे ये कहना था, क्या तुम मुझे आज घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज? ओह, तो तुम चाहती हो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? अगर मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हारा हॉबी बेबी कहाँ है? वो तुम्हें ड्रॉप कर सकता है ना, तो तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? हाँ ताई, एक्चुअली हॉबी बेबी को कुछ काम आ गया था, इसके लिए उसे जाना पड़ा, और मुझे आज अकेले नहीं जाना है। ओह, तो ये था रीजन। क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या मैं ऑटो ड्राइवर हूँ या टैक्सी ड्राइवर या कुछ और भी, तुम बता सकती हो? ओ सच में जंगकुक, तुमने कभी स्टार्ट किया? तुम ऑटो चलाते हो या टैक्सी? जो भी चलाते हो जंगकुक, प्लीज फर्स्ट राइड मुझे ही देना, क्योंकि मैं तेरे हूँ यार, मुझे फर्स्ट राइड मिलना चाहिए ना। तुम मेरे ऊपर हंसना बंद करोगी? तुम चुड़ैल लग रही हो हंसते हुए। तुमने कभी अपनी हंसी देखी है? पहले गौर से देखो, चुड़ैल लग रही हो, सारे लोग भाग जाएंगे कॉलेज से। क्या कहा? मैं तुम्हें चुड़ैल लग रही हूँ, है ना जंगकुक? हाँ, क्यों तुम्हें कम सुनाई देते थे? मैंने कहा तुम मुझे चुड़ैल लगती हो। अभी मेरे रास्ते से हटो, मुझे घर जाना है, ठीक है? तुम्हें घर जाना है ना, तुम टैक्सी ले लो, ऑटो ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अभी रास्ता छोड़ो मेरा। हे यू मिस्टर जियोन जंगकुक, वहीं पे रुक जाओ, मैंने कहा। हाँ, इसे क्या हुआ, ये ऐसे क्यों बात कर रही है? ये इसके अंदर कुछ हो गया है क्या?
बिसाओ और मुझे अपने साथ लेके चलो और मुझे मेरे घर पे ड्रॉप करो, वरना तुम्हारी हालत ऐसी की तैसी मैं कर दूंगी जंको, तुम जानते हो मुझे, तो चुपचाप यहाँ पे वापस आओ। आ रहा हूँ मैं, ऐसे क्या घूर के देख रही हो, घूर के मुझे मार दोगी क्या? आ रहा हूँ, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। गुड बॉय, सीधी बात तो तुम्हें समझ में नहीं आती, इसके लिए मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, समझ गए जंकोक? ये क्या हो रहा है मुझे, मैंने सुबह से शुगा के बारे में क्यों सोच रही हूँ, अभी तो मैं रेस्टोरेंट भी आ गई, फिर भी मैं शुगा के बारे में क्यों सोच रही हूँ, जब भी सोचती हूँ मेरा दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो जाती है, जैसे कि रोलर कोस्टर राइड हो। शुगा, मेरा काम में दिल ही नहीं लग रहा है, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह कोई नहीं है, जब भी तुम मेरे साथ नहीं रहते मुझे बहुत बेचैनी होने लगती है, बहुत अजीब लगने लगता है, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं ये प्यार तो नहीं मैं तुमसे करने लगी हूँ। जिमीन, क्या कर रही है तू रेस्टोरेंट में और तू खुद से ही बात कर रही है, अगर सोच किसी ने देख लिया वो तुझे पागल समझेंगे, पागल हो गई है करके समझेंगे। शुगा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से मैं पागल होती जा रही हूँ। इतना होबी बेबी करती हो, तुम्हारी होबी बेबी को तुम्हारी फिक्र नहीं है, अकेला छोड़ दिया और इस सब के लिए तुम मुझे बुला रही हो। हाँ, ड्राइवर का है, ड्राइविंग करने के लिए जंकुक है ना, फ्री ड्राइवर। जंकुक, तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा, तुम तो मेरे फ्यूचर बॉय। हाँ, क्या 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 बोल रहे थे, फ्यूचर बॉय बॉय, क्या क्या बोल रही थी ते? साफ साफ बोलो, क्या बोल रही थी तुम, क्या बोलना चाहती थी? क्या 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 मैं क्या बोल रही थी, कौन बॉय, क्या बॉय, कुछ बॉय नहीं, तुम्हारी कान बज रही थी जागो, तुम्हें ना आजकल बहुत ज्यादा कान बजने लग गए, तुम जाके अपना इलाज करवाओ। ओ रियली, लेकिन मैंने तो कुछ सुना था और तुमने कहा भी, और फिर अभी तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें मानना है तो मानो जंकुक, नहीं मानना है तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी, अभी चुपचाप ड्राइविंग पे ध्यान दो ठीक है, ऐसे फालतू सवाल मुझसे मत पूछो, समझ गए जंकुक? इसने तो मुझे पर्सनल ड्राइवर ही बना के रख दिया थे, तुम ना। ऐसे ही नोक जोक करते करते तेकुक चले जाते हैं अपने घर पे, जंकुक ड्रॉप कर देता है तेको और फिर वो भी चला जाता है। जिमिन, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, हाय। हेलो शुगा, 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 तुम मेरी बात सुन रहे हो शुगा, शुगा? क्या है, डिस्टर्ब मत करो ना, मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं कुछ देख रहा हूँ ना। जिमिन, तुम? हाँ शुगा, मैं। और तुम क्या काम कर रहे थे मेरे रेस्टोरेंट में खड़े होके, बताओगे जरा मुझे? उसका नाम डिशमैन है, वो सारे डिशेस को लेके भाग जाता है, तुम्हें पता है, इसके लिए मैं प्लेट गिन रहा था। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आएगा, तो जिमिन को क्या आएगा, कौन बोलेगा शुगा तू एक बिजनेसमैन है? ओ शुगा, अब कहाँ खो गए तुम? कुछ नहीं जिमिन, मैं कहीं नहीं खोया हूँ, मैं यहीं पे हूँ, तुम बोलो। मैं क्या बोलूं शुगा, तुम प्लेट गिन रहे थे, तुम्हारा डिशमैन, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, वैसे तुम बताओगे, मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। मैं तो यहाँ पे किसी काम से आया था, मैं तो मुद्दे से ही भटक गया, तुम मेरे साथ अभी जल्दी चलो जिमिन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, जल्दी चलो अभी। शुगा रुको, किसी का लेके जा रही हूँ, मुझे उसे बताने तो दो, मैं रेस्टोरेंट में नहीं हूँ तो वो अकेले संभालेगी। शुगा सुनो, मुझे बताने दो, उसे तुम बाद में टैक्स कर देना, वैसे भी तुम जब भी नहीं रहती हो रेस्टोरेंट में वही संभालती है, तो वो संभालेगी, तुम बाद में कर लेना, अभी तुम मेरे साथ चलो। फिर शुगा और जिमिन गाड़ी में आके बैठ जाते हैं। शुगा, क्या तुम मुझे बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं, तुम हड़बड़ी में एक रेस्टोरेंट आए, मुझे खींच के लेके आ गए, अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो तो बताओ। जिमिन, मैं तुमसे एक ही सवाल पूछूंगा, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है, क्या तुम मेरे साथ कहीं पे भी जा सकती हो बिना हेजिटेट किए, सिर्फ इसका जवाब देना।
ऑफकोर्स शुगा, ये कैसा सवाल है। अगर मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होता तो मैं क्या तुम्हारे साथ आती। मुझे खुद से भी ज्यादा तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि तुम मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दोगे। ओह, तो तुम्हें मेरे ऊपर इतना भरोसा है ना जिमिन, तो थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रहो, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तभी तक कुछ मत पूछना और मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, प्लीज जिमिन। ओके ओके, मैं जानती हूँ, अगर तुम मुझे कहीं पे लेके जा रहे हो तो ठीक ही होगा, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। फिर शुगा कुछ देर ड्राइव के बाद जिमिन को एक प्लेस पे लेके आता है। शुगा, ये क्या है, तुम मुझे ब्लाइंड फोल्ड क्यों कर रहे हो शुगा? यू ट्रस्ट मी नो जिमिन, तो तुम मेरे साथ आराम से चलो, मैं तुम्हें एक जगह पे लेके आया हूँ, वहीं पे मैं तुम्हारा ब्लाइंड फोल्ड खोलूंगा, ठीक है। तुम ये क्या कर रहे हो शुगा, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है, जो भी हो जल्दी से ये ब्लाइंड फोल्ड मेरी आंखों से निकाल दो, ठीक है। हम पहुंच ही गए, कुछ ही टाइम में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन जब तक मैं तुम्हें ब्लाइंड फोल्ड हटाने को नहीं कहता हूँ तभी तक मत हटाना जिमिन। ओके बाबा, नहीं हटाऊंगी, ठीक है जिमिन, अभी तुम अपना ब्लाइंड फोल्ड हटा सकती हो। थैंक गॉड। हाँ, ये पार्ट यहीं तक था। बाकी सारे पार्ट्स के प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, बाय बाय सारांगे, सी यू सून, लव यू ऑल।